All right, good evening, ladies and gentlemen. Main hu Manish Paul. What's up? I'm Ayushman Khurana, and we welcome you to the original and the grandest beauty pageant of the country, Pantaloons Femina Miss India 2012. हिंदुस्तान की हर लड़की का सपना होता है कि वो पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया का क्राउन जीते और वो भी क्यों ना, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टेपिंग स्टोन है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए, जिसने जन्म दिया है कई इंटरनेशनल पर्सनालिटीज को, कई सुपरस्टार्स को, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर हमारे देश का नाम रोशन किया है और जिनकी कामयाबी पर सारे देश ने गर्व महसूस किया है, और हमारी जनरेशन के लिए दे वर द क्विंटेसेंशियल रोल मॉडल्स। और इसीलिए पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया के लिए हर साल आती हैं हजारों एंट्रीज। उन्हीं हजारों एंट्रीज और कई सब कॉन्टेस्ट के बाद हमने चुनी है पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2012 की 20 फाइनलिस्ट, एक से बढ़कर एक। लेकिन उनसे मिलने से पहले वक्त है हमारे एस्टीम्ड जजेस से मिलने का। लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन। गिव इट अप फॉर देम। Miss World 2011, Evia Sarkoz.
Ladies and gentlemen, अब वक्त है Pantaloons Femina Miss India 2012 की 20 finalists से मिलने का. Presenting the Pantaloons round of Pantaloons Femina Miss India 2012. Let's have them on stage. विश्वास और मेरी हिम्मत मुझे सबसे अलग करती है. मैं आस्था दिल्ली से. सपनों की शहर मुंबई से जीत की मलिका. मैं हूं एरिका फर्नांडिस. लहरें जो ना कभी थकती और ना कभी रुकती है जहां, ऐसे जिंदा दिल गोवा से खुशियां लाई मैं फरा. मेरी खूबसूरत आंखें मेरे दिल की गहराइयों को दर्शाती है. मैं हिमाक्षी पहाड़ियों भरे आसाम से. संवेदना सहानुभूति और सेवा मेरे दिल में है. डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग मॉडलिंग एंड कम्युनिकेशन इज इन माई ब्लड. आई एम इप्सिता फ्रॉम विशाखापट्टनम. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो सारा आसमां बाकी है. मैं करुणा गाजियाबाद से. मुझे जीतने की प्रेरणा देता है फिल्म नगरी मुंबई से. मैं निकिता. उगते सूरज की पहली किरण जैसी मैं प्राची मिश्रा. भारत की पावन नगरी इलाहाबाद. मेरा दृढ़ निश्चय लाया है मुझे इतनी दूर. गुलाबी महलों के शहर जयपुर से मैं प्रियंका. पूरब से बहती हुई मध्यम हवा जैसी मैं पूर्वा. धर्मशाला की खूबसूरत वादियों से. जो चाहूं वो पाकर ही दम लेने वाली. From the city of Lions, Chennai, I'm Rochelle. आत्मा की पवित्रता और शक्ति हूँ. रानियों के शहर जयपुर से मैं रूही. सपनों की नगरी मुंबई से
कल की सुपरस्टार, मैं सना यहाँ प्यार बांटने आई हूँ। मेरा जुनून ही मेरी पहचान है। मैं हूँ शमता मुंबई से। खुशियों के शहर कोलकाता से ढेर सारा प्यार और आंखों में एक सपना लिए मैं स्नेहा। मेरी मेहनत और आत्मविश्वास से मैं हर ऊंचाई छूना चाहती हूँ। मैं सोनम सिक्किम से। मुझे सबसे अलग करता है मेरा सेल्फ बिलीफ एंड नेवर से डाई एटीट्यूड। मैं सोनम प्रीत उत्तराखंड से। ब्रह्मपुत्र और उसकी वादियों में बसी अनेक सभ्यता और सुंदरता को दर्शाती मैं सुकल्पा असम से। मेरा नाम मुझे कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। मैं वान्या चंडीगढ़। ऐतिहासिक शहर मेरठ से मैं विधि इतिहास बनाने आई for Pantaloons, Rajesh and Anirban. और अब आ रही है वो जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही सबको रॉक कर दिया है, नरगिस फाकरी। और इस लेडी रॉकस्टार का साथ देने आ रहे हैं टेलीविजन के थ्री रॉकस्टार्स, करण वाही, गुरमीत एंड करण टैकर। Oh,
नहीं जाना। Special thanks to our music partners T-Series for the music we played. मुझे याद आया कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, you know, contestants इन लड़कियों को। Oh, यार, look at that flat tummy, man. मतलब कैसे? How do you do it? तेरे को बताता हूँ एक बात कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनको दिखाया जाए कि कितनी मेहनत करते हैं ट्रेनर्स। यहाँ पे ट्रेनर खास तौर पे आए हैं इनको दिखाने के लिए। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और उनके साथ बहुत अच्छी है वो। एक मॉडल है वो, आई लव दैट मॉडल। आई जस्ट यू हैव टू सी हर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज सेंड योर वाइफ्स आउटसाइड बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू वन ऑफ द हॉटेस्ट मॉडल ऑफ द मंथ। हाय सोनू, you are looking extra hot tonight. You know, I'm expert. Please don't laugh at me. I'm an expert. Like, हमारे जजेस एक एक चीज के एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे सोनू जी ये हेयर स्टाइल बदलने के बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं ये बड़े अच्छे सिंगर भी हैं. थैंक यू। हाउ आर यू एकता? एकता जी जैसे बड़े एक्सपर्ट हैं, ये दूसरे लोगों को एक्सपर्ट बनाने में एक्सपर्ट हैं। जैसे इन्होंने भी साक्षी को किसिंग में एक्सपर्ट किया, that was very hot. इन्होंने साबित कर दिया है कि बड़े पर्दे के अलावा अगर छोटे पर्दे पर भी कुछ बिकता है, that is only entertainment, entertainment, only entertainment. Hi Rohit, I just realized आपने क्यों छोड़ दिया कॉमेडी सर्कस को जज करना. You know, जब इतनी खूबसूरत हॉट लड़कियां जज करने को मिले, वहां पे मोटी मोटी तंदूर जैसी लड़कियों को कौन जज करे? Anyways, मैं ब्यूटी क्वींस तैयार करता हूं आज आपके सामने, मैं खड़े खड़े एक ब्यूटी क्वीन तैयार करूंगा। सो प्लीज, इज देयर एनी मॉडल बिहाइंड द स्टेज? प्लीज सेंड हिम ऑन स्टेज। मैंने मॉडल बोला था, आपने पूरा मॉडल टाउन भेज दिया। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू टू कम इनसाइड? अंदर कैसे घुसी आप? हाउ डू यू मीन अंदर कैसे आई? वो जो वीआईपी वाला गेट है ना, या उसके बाजू की दीवार थाप के आई हूं मैं। एक्सक्यूज मी, तुम इस ड्रेस में दीवार फांद के आई हो? यू लेडीज पांसिंग तोमर, व्हाट इज योर बैड नेम? मलाइका सावंत। व्हाट मलाइका सावंत? कभी आईने में अपनी शक्ल देखना, बिना मूंछों वाला रजा मुराद लग रही हो तुम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तू जल्दी से मुझे ब्यूटी क्वीन बना दो। आई वांट टू बी मिस इंडिया। व्हाट? मिस इंडिया? तुम मिस इंडिया बनोगी? हाँ। तुम्हें तो कोई मिस घाट कोपर नहीं बनाएगा। व्हाट डू यू मीन? तुमने पहले कभी किसी को बनाया है? व्हाट डू यू मीन? तो सुष्मिता को किसने बनाया? सोनू निगम। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? व्हाट रबिश सोनू निगम, ऐसे कैसे? नहीं, सोनू निगम भी यहाँ बैठे हैं। ओके, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई नीड ऑटोग्राफ। इनका इतना फैन, यू नो, मतलब मेरे को तो इनके गाने, इनकी आवाज अलका याग्निक से भी अच्छी लगती है। या ओह माय गॉड, वहाँ एकता कपूर भी बैठी है। हेलो एकता जी, मुझे ना इनके ऑफिस से डर्टी पिक्चर के लिए फोन आया था। तो किया क्यों नहीं यू डफर? किया क्यों नहीं? व्हाई डिड यू डोंट डू दिस? अरे बाबा सुनो तो सही, हर हफ्ते मुझे चार पांच डर्टी पिक्चर के ऑफर आते ही रहते हैं। मुझे क्या पता था इनकी अच्छी वाली होगी। स्टूपिड, अगली बार मैं जरूर करूंगी। प्लीज कॉल मी फ्रॉम योर ऑफिस। लिसन, ए नीचे करो इसको। व्हाट इज दिस रबिश? व्हाट इज दिस? सॉरी, व्हाट इज दिस? उलाला उलाला, नीचे करो। पहले डिसाइड कर लो तुम्हें, यू वांट टू बिकम ए हीरो और ए ब्यूटी क्वीन? हेलो, देखो
ब्यूटी क्वीन. ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हो? yeah. okay, मैं तुम्हें मिस इंडिया बनाने की ट्रेनिंग दूंगा. ओके ब्यूटी क्वीन. उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. you know, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ. कम फॉलो मी. सबसे पहले जरूरी है पावर योगा आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. यू नो पावर योगा. या आपको योगा करना है. पावर योगा यू नो लाइक दिस. लाइक दिस. ये शॉल लिया. 7 घंटे दिन में पावर योगा करना ही पड़ेगा आपको. यू हैव टू डू 7 घंटे पावर योगा. यस. क्या बात कर रहे हो? ब्यूटी क्वीन बनने आई हो या बाबा श्यामदेव? जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तो बाबा श्यामदेव नहीं सनी लियोन पहले बन जाएगी तू. सुनो, योगा करना है सबसे पहले अपने हाथ यूं करो. अब पैर मोड़ो. हाथ वाला करो ना योगा. Why? पैरों का थोड़ा प्रॉब्लम है. Why? मेरे पैर भारी है. पैर भारी है? वो गेव यू दिस अपॉर्चुनिटी? नो, वो नहीं. हाँ. मेरा मतलब है मेरे थोड़े थंडर टाइज है. You know, oh God, types. Who send you here? Listen, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. Okay, let me check your dress first. What is this? ये मच्छरदानी क्यों पहनी हुई है? हटाओ. Hey, क्या कर रही हो? कोई माँ. Show your grammar. What is this? क्या कर रही हो? मुझे मच्छर काटेंगे. What? इतनी जाड़ी स्किन है तुम्हारी. तुम्हें तो मगरमच्छ भी काटेगा ना, वो भी दंत पोपला हो जाएगा. What are you doing? Okay. और now show me your dress. What is this? इसको थोड़ा फाड़ो. Yeah. Don't too much. Now posture like this. Oh God! ये 40 square feet area wax करवाया नहीं आपने? What is this? Wax कहाँ करवाई मैंने? Then what is this? 3000 rupees मांग रहे थे जोड़ी के. Okay. 25 rupees की जुराब पहन कर आ गई मैं. Intelligent no? How cheap you are! Okay. अब क्या करूँ तुम्हारा मैं? Listen, एक तो अपना बोल चाल सुधारो. कम है. स्पीच, स्पीच पे वर्क करना पड़ेगा. ओके okay? सबसे पहले जब तुम उठती हो तो पहला आदमी जब तुम्हें कोई मिलता है तो उसको क्या बोलती हो? सुबह हो गई, उठ चल अपने घर जा. सुनो मेरी बात. जी. तुम्हारा मैं क्या करूं? लिसन, एक सबसे जरूरी चीज है रैंप वॉक. ओके. यू नो व्हाट इज रैंप वॉक? रैंप पे चलना एटीट्यूड के साथ. रैंप पे चल के गए, इधर आओ, फॉलो मी. ऐसे जज की नजरों में ऐसे कॉन्फिडेंस से देखना है जैसे लास्ट इवनिंग तुम दोनों साथ में ही थे. इस कॉन्फिडेंस से देखना है. इनमें से कोई नहीं था. Okay. I'm talking about attitude. Now show me. Ramp walk. ओके okay? एटीट्यूड के साथ चलना है. प्लीज इसके लिए क्लैप. या प्लीज कम एटीट्यूड के साथ. Oh God, please stop! ऐसा लग रहा है जैसे कोई बे औलाद भैंस फ्रस्ट्रेट होके चल रही है. What is this? एटीट्यूड मीन्स आंखों में आंखें डाल के यू अपने स्टाइल से यू करके. सो एटीट्यूड होना चाहिए बेबी. एटीट्यूड देखिए. ओके शो मी. हेलो हेलो हेलो. अपने घुटने अंदर करो. भज्जी की ठुड्डी पे ना मार देना. क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी टकराने की आदत है ना, जाके रोहित शेट्टी से टकराओ. उनको टकराने की बड़ी आदत है, वो गाड़ियां टकराते रहते हैं. यू डुक्कर क्रिएट. नाउ यू आर इरिटेटिंग मी. यू नो ब्रालिंग, तुम्हें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा. सबसे पहले रिमूव दिस वाटर टैंक फ्रॉम योर बॉडी. ओके. और हल्का खाना खाना शुरू करो. यू नो ये ब्रोकली, ये मशरूम्स, ये पराठे खाने बंद करो. और पाव भाजी तो तुम्हारी बिल्कुल बंद है. तुम्हें कैसे पता चला मैं पाव भाजी खाती हूँ? तुम्हारे मुंह से कांदे की स्मेल आ रही है. एक बात सुन लो, छोड़ दूंगी मॉडलिंग का धंधा, लेकिन कभी नहीं छोड़ूंगी खाना कांदा. देन क्या करूं तुम्हारा मैं? कोई आसान सा काम बताओ ना. आसान सा काम? ओके लिसन, इधर बगल में मिस भांडुप कॉम्पिटिशन हो रहा है. या उधर 3 जज फाइनल हो चुके हैं, 10-12 और चाहिए. अच्छा, तो वही आराम का काम है, जाके बैठ के वही करते हो. बाय जजेस, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. कम यू डफल लेडी, व्हाट आर यू डूइंग? खिलाड़ी कुमार का आशिकाना अंदाज. तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा. गबरू मिका का धमाकेदार परफॉर्मेंस. तुषार ने की रोहित शेट्टी की बोलती बंद. आली रे आली, आता तुझी पाड़ी आली. अपने तीनों फिल्मों में मेरी बोलती बंद की थी ना, अब हमारी बारी है. अली जाफर का पावर हाउस परफॉर्मेंस.
Femina Miss India 2012. A special thanks to our music partners T-Series for the music we play. Aishman, अगला परफॉर्मर तो पक्का हम दोनों की पुंगी बजा के जाएगा। पुंगी बजा के यू मीन अब वो परफॉर्म करने जा रहा है जिसने सबको 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करना सिखाया। एब्सोल्युटली। वेल, जिसके लिए हर लड़की कह रही है तू मेरा हीरो। ओ ओ ओ ओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ ओ ओ, लेट्स हियर इट फॉर द ओ ओ ओ सिंगर विद 100% हिट रिकॉर्ड, मीका। वाओ। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा, ना कोई रोने वाली जनाबे अली, आपका क्या होगा। Thank you.
लेकिन हमें इनसे कोई नहीं मिलवा रहा है। मिलवाने के लिए किसी की क्या जरूरत है, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज की शाम आपके सामने आखिरी बार ये 20 खूबसूरत लड़कियां एक साथ स्टेज पर होंगी। कमिंग अप द 20 फाइनलिस्ट ऑफ पैंटलून्स फेमिना मिस इंडिया 2012 इन स्टनिंग मिडनाइट ब्लू कलर्ड इवनिंग वेयर डिजाइन बाय द प्रिंस ऑफ कुतियोर राकेश अग्रवाल। लेट्स हैव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन।
and gentlemen, please welcome the man behind these glamorous ladies, creative director and show director for Femina Miss India 2012, Mark Robinson. For an honest confession. All right, go ahead, my friend. मैंने जिंदगी में इससे पहले इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को एक साथ इतने पासे कभी नहीं देखा है। मैं एक बात बताऊं तुझे, अच्छे से देख ले, क्योंकि अब इनमें से हम अनाउंस करेंगे टॉप 10 और किन्हीं 10 को हमें कहना होगा अलविदा। मगर उससे पहले वक्त है एक बहुत ही स्पेशल फेलिसिटेशन का। Pantaloons Feminist Beauty for a Cause is And the winner is contestant number 20, Vidhi Bhardwaj. And may I please invite on stage Mr. Kailash Bhatia, CEO Pantaloons, to crown the winner. Moving on, हमारी अगली contestant को मिली है top 10 में direct entry. So the winner of Miss India Times 5888 is 5, 4, 3, 2, 1. Contestant number 5, Ipshita Party. Join the party. Yeah, please invite on stage Ms. Sakshi Tanwar and Mr. Sunil Verma, Group CFO Geetanjali Gems, to crown the winner. Isha Gupta, ex-Femina Miss India International, brand ambassador of Maybelline New York, has a special message for all our contestants here today. Let's have a look, ladies and gentlemen. Hi girls, welcome to you all, and a big, big congratulations for reaching where you all have. I would like to tell you all that Femina Miss India, being the most prestigious pageant in this country, it's a journey for bigger and better endeavors, and that is where it's gotten me today, speaking in front of you guys, which is now I'm the official face of the world's number one leading makeup brand called Maybelline New York, and being the face of colossal Kajal campaign, it feels great to be back here with all of you again. And just remember, no matter what happens, what the result might be, you all are winners and you all are superstars, and you go back with home with a pride and a smile. Best of luck. Thank you. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. और अब हम आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां आज की शाम पहली बार कुछ कंटेस्टेंट्स को हमारा साथ छोड़ना होगा मनीष, और हमारे साथ यहां से आगे का सफर तय करेंगी Pantaloons Femina Miss India 2012 की टॉप 10 कंटेस्टेंट्स। सो लेट्स सी हु आर दोज लकी 10। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट टू क्वालिफाई फॉर टॉप 10 इज Contestant number 2, Erica Fernandez. Contestant number 19, Vanya Mishra. Our next contestant of the evening has also made it straight to the top 10 by virtue of being the winner of Pantaloons Femina Miss India East. Contestant number 4, Himakshi Agrawal. And our fourth finalist is contestant number 5, Ipshita Party. Contestant number
16. Let's have a big hand for Sonam Pache. All right, ladies and gentlemen, moving on. हमारी अगली कंटेस्टेंट को मिली है टॉप 10 में डायरेक्ट एंट्री क्योंकि उन्होंने जीता है टाइटल पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया साउथ का. लेट्स गिव इट अप फॉर कंटेस्टेंट नंबर 14 शमता चंद. कंटेस्टेंट नंबर 8 प्राची मिश्रा. Contestant number 13, Sana Khan. Our ninth finalist, ladies and gentlemen, is contestant number 10, Purva Rana. Our last finalist for this evening. Hold your breaths. Yes. Contestant number 11, Rochelle Rao. All right, congratulations, girl. Aur jo hame aaj yahan se chhod ke ja rahi hain, unke liye ek baar zordar taaliyan. So ladies and gentlemen, let's hear it for the top 10 finalists of Pantaloons Femina Miss India 2012. Whoa! Officially, one girl will become Miss India eventually tonight. Absolutely. तेरी वाली कौन सी? आयुष्मान, English में एक कहावत है, beggars can't be choosers. But rather, we are not beggars. No, I know. लेकिन you know जो अगली performance देने आ रहे हैं, उनका लड़कियों पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद लड़कियों के मामले में हमारी हालत बेगर्स जैसी ही होगी, really. क्यों भाई? What's so special about him? I'll definitely tell you, यार. वो actually देख के आए. वो एक singer. You know, actor, music director है और सबसे बड़ी खूबी जो उनमें है वो एक चामा. अच्छा नहीं 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 वो मेरी भाभी की दूल्हे की बात तो नहीं कर रहा तू? Yes, I'm talking about the versatile, the very talented Ali Zafar. और उनकी इस परफॉर्मेंस में उनका साथ दे रही है टू फॉर्मर मिस इंडियाज मनस्वी ममगाई एंड नेहा हिंगे. देखने में कैसी सीधी सादी लगती है बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती अंदर से कितनी तेज है देखने में कैसी सीधी सादी लगती है बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती अंदर से कितनी तेज है कभी अजीब सी कभी हसीन लगती कभी किसी किताब का हसीन लगती फिलॉसफी का क्रेज है ओ कहती है ये एक फेज है ओ कहती है ये एक फेज है Behavior of choice this evening. Do I sound a little cheesy? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's sing. Oh, yeah. सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है ओ सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी
तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी। खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे ऐसा करना बेकार है। जिया नहीं जाए रे हमें तड़ पाए रे क्यों इतना इनकार है। सुनने से जनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है। जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है। And if you can't then hide it, 'cause if you must desire it, then you must know the system that it's love for money. क्या अरे भैया यूपी आए और साला ढोल नहीं बजा तो क्या खाक यूपी आए। सुपरस्टार अक्षय का हाउसफुल परफॉर्मेंस। अजी जी आप यहां ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स को क्रिकेट के नजरिए से जज करेंगे, तो आप सबसे ज्यादा मार्क्स किसको देंगे? लॉन्ग लेग्स, शॉर्ट लेग्स, फाइन लेग्स, बस यार लीफ आर्म, पॉइंट या फिर मिड विकेट? नाउ इट्स टाइम टू फेस द बिग चैलेंज। मिस इंडिया बनने के लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लक एंड टैलेंट, वेल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ। एक और चीज चाहिए और वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ओके यार बाय, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं यार, मतलब अब बता रहे हैं, मतलब मैं कब से लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तू अब बता रहा है कि ये इंटेलिजेंट है। यार मतलब कोई भी इंटेलिजेंट लड़की
तुझे और मुझे घास क्यों डालेगी? लेट्स गो. तेरा तो पता नहीं पर मेरा तो चांस है. तू अपना चांस पे डांस बाद में मारना. पहले यू नो जो हमारी कंटेस्टेंट्स हैं इनको चांस देते हैं. मेरे पास कुछ चिट्स हैं. हर चिट पर लिखा है एक जज का नाम और जो कंटेस्टेंट जिस जज के नाम के चिट उठाएगी उसे उनके सवाल का जवाब देना होगा. नो रॉकेट साइंस. एक मिनट यार आयुष्मान. कंटेस्टेंट्स हैं 10, जजेस हैं 9, मतलब 9, तो ये नाइंसाफी है थोड़ी मेरे दोस्त. इट्स ओके यार, एक कंटेस्टेंट से सवाल मैं पूछ लूंगा. एक मिनट, एक काम करते हैं. सीनियर मैम, सवाल मैं पूछ लूंगा. हाइट में, एज में? नो, वैसे नहीं. एक सेकंड रुक जाए यार, मैं बिल्कुल टेंशन मत ले. मतलब मैं हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन. अब यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे हमारी जो खूबसूरत कंटेस्टेंट्स हैं इनसे. और आखिरी सवाल मैं पूछ लूंगा, डोंट यू वरी. ऑफ कोर्स, फर्स्ट कंटेस्टेंट इज कंटेस्टेंट नंबर 2, एरिका फर्नांडिस. ऑलराइट, सो लेट्स सी. ओके, सबसे पहला जो आया है वो है एंकर क्वेश्चन. ब्रदर लेट मी आस्क, विकी डोनर हूं, आज क्वेश्चन डोनेट करूंगा. बस क्वेश्चन ही डोनेट करना. कम ऑन, गो ऑन. ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज, एरिका, वुड यू रादर बी बोर्न इन द पास्ट और द फ्यूचर? यू कैन नॉट से प्रेजेंट. Why? Good evening, everyone. I would rather be born in the past because from school days, I've been learning about the royalty and how the queens and princesses have been treated. So I belong there, that's what I feel. And I want to be treated like a queen or a princess. So I would like to be born in the past. Thank you. Let's have a big hand for her. And moving on. Next contestant, contestant number 4, Himakshi Agarwal. We have Sonu Nigam. Hello, sir. Hi, Himakshi. मेरा सवाल है आपके लिए. अगर आपके पास एक महाशक्ति होती, सुपर पावर होती, तो वो क्या होती और क्यों होती? Thank you. Well, if I could have one superpower, I think I would definitely opt for the power of time-space continuum, which means I could travel back and forth in time. So that I could see the glorious past and maybe the possible magnificent future and also live my memorable days like this day again and again. Thank you. We have contestant number 16, Sonam Pache. Ekta Kapoor. What has been your biggest unlearning experience over the last few days? Tash Tilak, ma'am. The biggest unlearning thing that I experienced in the past 30 days is that I have always thought that life was unfair for me. But coming to Femina Miss India, I have learned that destiny holds in our hand. Thank you, ma'am. Tuchi. Next up, we have contestant number 8, Prachi Mishra. Sonali Bendre. Hi, Prachi. Good evening, ma'am. Good evening. What are the 3 qualities that distinguish Indian women from women of other nationalities? Hamare tyag ki bhavna, sahan shakti, aur teesri main kahungi ek sangathit parivar mein rehte hue sab sukh dukh ko sehte hue apne sapno ko pura karna. Ye khubiyan aap se bhartiya nariyon mein payengi. Hum apni khushiyon ko tyagte hain dusron ko khush karne ke liye और फिर भी हम सब अपने सपनों को पूरा करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू. मूविंग ऑन, कंटेस्टेंट नंबर 10, पूर्वा राणा. रोहित शेट्टी. हाय पूर्वा. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. इन व्हाट रोल डज अ मैन ऐड मोस्ट टू अ वुमन? फादर, सन और अ पार्टनर? आई बिलीव मैन adds most to a woman in all of the roles, a father, a partner, a son, because father is the ideal to a girl child. He's the role model of a girl child. He teaches him moral values. A partner teaches her selfless love, and a son makes her more mature and respectable lady in the society. So I think in all spheres of life, a man adds in all of these roles to a woman's life. Thank you. Moving on to, after Poora Rana, we have contestant number 11, Rochelle Rao. Sanjeev Bajaj. Good evening, Rochelle. Good evening, sir. Good evening, everyone here. What is that one lesson that you learned as a child
which you still hold with you? The one lesson that I learned as a young child, more as a preteen, I would say, is to never give up. In the face of failure, in the face of obstacles, you shouldn't let it get you down. You've got to put that beautiful smile back on your face and keep trying harder every single time, because that's how life is. It throws difficulties at you, and it doesn't matter what you've come from or where you're going. It only matters how you live your life. And so you've got to get back up, put that smile on your face, and work harder every single day. And that's the only reason why I'm here right now, ready to win the crown. Thank you. Next up, we have contestant number 13, Sana Khan. All right, we have Sakshi Tanwar. Good evening, Sana. Good evening, ma'am. Nervous? Yes, I am. Okay, my question is, the institution of marriage is on the decline. What do you think is the reason for that? I think the institution of marriage is on decline because it has risen because of the socio-economic development of the country. I say socio because it's no longer considered as a taboo. And I say economic because Indian women were very ignorant. Today's women, if you go to see, they are more educated. They know their rights. They know their strength. So yes, the 21st century women do not surrender to violence, injustice, exploitation. Preferred not to be married and live peacefully. Thank you. Contestant number 14, Shamata Anchan. Raghuvendra Rathore. Good evening, Shamata. How are you? I'm good. The question is, what are the three ingredients for a long-lasting relationship? I believe the three most important ingredients for a long-lasting relationship would be trust, communication, and respect for one another. If you don't respect each other, you will not be able to stay in a relationship. And if you don't have communication, you will not be able to know what the other person is thinking, and there will be a lot of misunderstandings. Trust, you need to trust the other person so that there's no space for any kind of doubt. So yes, it's these qualities. Thank you. And this number 5, Ipsita Pati. You have a lot of choice, huh? Two cards. Oh, Masakkali, Sonam Kapoor. The worst thing about being famous is the invasion of your privacy. What is it about fame that makes many people, including you, want to become famous? Well, I personally believe being famous is one thing that enables you to go across the countries, across the boundaries and barriers to reach out to the people because you're famous. You elongate many people together because for a one cause, that is to unite in humanity. Famous definitely brings a clause of not invasion of privacy. But yes, I believe it's not an invasion of privacy. It adds up to priority. Of course, being famous is what I am here for as well. Thank you, and have a great evening ahead. Thank you. We have contestant number 19, Vanya Mishra from Chandigarh. Harbhajan Singh. Hi, Vanya. Good evening. Hello, sir. Hello, everyone. Okay, my question is, beside good looks, sense of humor, and intelligence, what quality would you look in your partners? Thank you very much for the question. Well, apart from these three qualities, one quality that I give a lot of importance to would be that my husband should be a respectful person, not just towards me or my family, but towards mankind. If you give respect, you get respect in return. And I think no matter how rich or poor you are, how high your status is, giving respect to mankind is a very important thing. And that is what makes you a good human being at the end of the day. Thank you very much. Lovely answers, ladies. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. All right, ladies and gentlemen, I would like to talk to a very special lady here, Miss Julia Morley, chairperson of the Miss World organization. Firstly, I would like to welcome you to India and congratulate you on such a splendid thing.
I would really like to ask you that in the past, we've had such lovely Miss Worlds, you know. We've had Aishwarya Rai, we've had Priyanka Chopra, we've had Diana Hayden. In your opinion, what do you think? Who can make it? I know it's really difficult to say right now. If you could just pinpoint one, or if you could just give some tips to them. I just want them to represent India well. I want them to have a sense of humour, mix with 129 other countries, and talk about the their own country, and just enjoy the experience. Just the normal kids, let them enjoy it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, आज पहली बार Pantaloons Femina Miss India में वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है. Absolutely, for the first time ever, इस pageant में होने जा रही है wild card entries, लेकिन contestants की नहीं, judges की. The extremely wild card है ना. Please welcome Ritesh Deshmukh and Tushar Kapoor. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस. अभी से इंटरप्ट कर रहा है मुझे. सॉरी. दिस इज तुषार कपूर हियर एंड दिस इज रितेश देशमुख हियर. और हम यहाँ मिस इंडिया की इन सुपर कूल कंटेस्टेंट्स की लेने आए हैं. क्या टेस्ट लेने आए हैं? हाँ, तो बोलना क्लियरली कि टेस्ट लेने आए हैं. और सुपर कूल कंटेस्टेंट्स की नहीं, हम यहाँ पर हमारे सुपर कूल जजेस की लेने आए हैं टेस्ट. तो शुरू करें. So let's start with the beautiful Sakshi Tanwar from the super hit serial Bade Acche Lagte Hain. Sakshi, please mind mat karna, lekin mujhe lagta hai ki mere hisab se aapke serial mein agar perfect koi cheez hai na to Ram Kapoor hai. Aur size ke hisab se mujhe lagta hai unka naam Ram nahi, kilogram hona chahiye tha. Absolutely. Haan yaar, pata hi nahi chalta ki kya serial ke title ke hisab se Ram Kapoor ki casting hui hai ya phir राम कपूर की कास्टिंग के हिसाब से सीरियल का टाइटल रखा है. यू नो, इट्स अमेजिंग. यू नो, बड़े अच्छे लगते हैं. और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम दोनों को भी बड़े बड़े अच्छे लगते हैं. एंड गाइस, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स एंड बोलर्स ऑफ आवर कंट्री, हरभजन सिंह. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. भज्जी जी, आप यहाँ ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स को क्रिकेट के नजरिए से जज करेंगे, तो आप सबसे ज्यादा मार्क्स किसको देंगे? लॉन्ग लेग्स, शॉर्ट लेग्स, फाइन लेग्स, बस यार, लीप ऑन पॉइंट, या फिर मिड विकेट? क्या मिड विकेट? ये मिस इंडिया कंपटीशन है. मिस्टर इंडिया कंपटीशन थोड़ी है जो भज्जी मिड विकेट को देख के पॉइंट देंगे. पगोड़ा. तो भज्जी जी, आप पॉइंट्स कैसे देंगे? एक क्रिकेटर की नजर सबसे बढ़िया होती है जी. सब आपने गिना दिया लेग्स. बिल्कुल. तो आप देखिए यहाँ मैं दूसरा कौन सा डाल रहा हूँ. ओह, वेल डन बाजी. वी वेटिंग फॉर योर दूसरा एक्चुअली. क्या हुआ? क्या हो गया? ए ओए 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 ओए. रोहित शेट्टी आली रे आली, आता तुझी पाड़ी आली. अपने तीनों फिल्मों में मेरी बोलती बंद की थी ना, अब हमारी बारी है. रोहित यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो सब स्लिम, ट्रिम, पतली, सुकड़ी, बॉम्बिल, साइज जीरो मॉडल्स है ना. हाँ. रोहित लाइक्स ओनली गोलमाल. तो रोहित, मुझे लगता है कि अगर आपको गोलमाल पसंद है ना, तो इन मॉडल्स को आपको 20 साल बाद जज करना चाहिए. इट्स टू अर्ली फॉर दैट. अरे सोनाली बेंद्रे. सोनाली बेंद्रे, मैंने मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना, ये जज बनने के तो बिल्कुल लायक ही नहीं है. अबे क्या बक रहा है तू? हाँ यार, जरा देख इनको, कितनी खूबसूरत है. इनको जज नहीं, इनको तो एक्चुअली कंटेस्टेंट होना चाहिए था. I see somebody smiling. My favorite singer. Ladies and gentlemen, put your hands together for Sonu Nigam. लेकिन नितेश, मेरे हिसाब से ना यहाँ एक दो सिंगर्स जज के तौर पे और होने चाहिए थे, लाइक कैलाश खेर. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू नो आई डोंट थिंक कि सोनू के होते हो यहाँ पर किसी और की जरूरत और किसी और की कमी महसूस हो सकती है.
सोनू जी हमें बताइए, अगर कैलाश के राज इस मंच पर होते तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को देख के किस तरह कमेंट करते हैं? कैलाश खेर की जो हिंदी है वो बहुत बड़ी हिंदी है, तो अगर वो यहाँ पे होते तो वो ये बोलते, भैया ये जो महासौंदर्य का जो एक पर्व सा हुआ पड़ा है, इस पर्व में सम्मिलित होकर जो मैं हर्षित हो रहा हूँ, मेरे दाता इनमें से एक को प्रदान कर दे। Big hand for Sonu Nigam, ladies and gentlemen. So, I think Raghavendra Rathore ji is feeling a bit left out. क्योंकि हमने अभी तक उनके बारे में कुछ बात ही नहीं की। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? उनके नाम में रा है और सने में भी रा है। क्या बात कर रहे हैं? राघवेंद्र का रा, राठौड़ का रा, यानी रा टू? अरे यार दूसरों का सीक्वल छोड़, क्या सुपर कूल है हम की बात करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फकर है। है? क्या? फकर है हमें अपने सीक्वल पर, क्या सुपर कूल है हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू कैलाश, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। खिलाड़ी कुमार का आशिकाना अंदाज। बेमतलब कर लेडीज होल्ड योर ब्रेथ एंड जेंटलमैन होल्ड योर लेडीज प्लीज, क्योंकि अब आने वाले हैं द ओरिजिनल प्लेयर द देसी मुंडा सुपरस्टार अक्षय कुमार। तुम दिल के धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। Oh,
मतलब करता बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सभी तमिज़ है अता सबित हो जाने बिता Special thanks to our music partner T Series for the music here. Absolutely, हम बहुत करीब आ चुके हैं और ये जानने के कि अब यहाँ पे कौन होगी Pantaloons Femina Miss India 2012. यहाँ तक का सफर जिन 10 खूबसूरत लड़कियों ने तय किया है, they have faced lots of tests and lots of challenges. और साथ ही साथ participate किया बहुत सारे sub contests में भी. Let's have a look at the winners of these sub contests. हर साल फाइनलिस्ट्स को जज किया जाता है कई अलग अलग कैटेगरीज में इन वेरियस सब कॉन्टेस्ट्स और इस साल की विनर्स हैं लेवी फेमिना मिस ग्लोब ट्रॉटर बनी आस्था सिधाना पैंटलून्स फेमिना मिस फैशनिस्टा का खिताब मिला स्नेहा उपाध्याय को फेमिना मिस ब्यूटीफुल स्माइल की विजेता बनी द वेरी क्यूट सना खान एनहांस फेमिना मिस रैविशिंग बनी इप्सिता पार्टी पोर्टिको फेमिना मिस ड्रीम गर्ल है द स्टनिंग पूर्वा राणा पैंटलून्स फेमिना मिस फ्रेश फेस बनी एरिका फर्नांडिस कोर्टयार्ड मैरियट मुंबई मिस कॉन्जीनियलिटी है प्राची मिश्रा फेमिना मिस ब्यूटीफुल लिप्स का खिताब मिला सोनम पाची को और स्ट्रीक्स फेमिना मिस स्टाइलिश हेयर भी सोनम पाची ही बनी डाबर गुलाबरी फेमिना मिस ग्लोइंग स्किन बनी वन्या मिश्रा Maybelline New York Femina Miss Colossal Eyes का खिताब भी मिला वानिया को और भारतीय विद्यापीठ Miss Photogenic भी जीता वानिया मिश्रा ने Diet Mantra Femina Miss Active बनी शमता आंचल Liberty Miss Ramp Walk बनी The Stunning Rochelle Rao VLCC Femina Miss Body Beautiful का खिताब भी जीता रोशेल ने गीतांजलि फेमिना मिस ग्लैमरस डीवा भी बनी रोशेल फेमिना मिस डिवाइन थॉट्स बनी द गॉर्जियस फारा और सनोफी पास्टिया फेमिना मिस ब्यूटी फॉर हेल्थ 2012 भी बनी फारा और वीट फेमिना मिस ब्यूटीफुल लेग्स का खिताब भी जीता फारा ने और फाइनली लवासा फेमिना मिस वाइवेशियस का खिताब मिला इप्सिता पार्टी को भाई तो मनीष कहाँ पे गए मनीष वैसे आयुष्मान तुम्हें पता होना चाहिए जहां लड़कियां वहां मैं तो मैं यहां पहुंच गया हूं इससे पहले कि हम टॉप 5 अनाउंस करें सबसे पहले जरा इनसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है इस समय वेरी वेरी नर्वस दिस कुड बी द डिसाइडिंग पॉइंट सो आई रियली रियली होप दे से माय नेम
This could be, this is the deciding point. Okay, Ayushman, I think let's start with the first top five finalists. Let's move forward. Top five contestants are contestant number 13, Sana Khan. Contestant number 8, Prachi Mishra. Ayushman, who's the next? Next up we have contestant number 5, Ipshita Pati. Next one is from down south, contestant number 11, Rochelle Rao. Right now, I'm sure ki inke dil ki dhadkan kitni zyada tez hogi, Ayushman, because there is only one place left. Aur yahan pe hain 6 contestant. Contestant number 19, Chandigarh di kudi Vanya Mishra. This is the moment of truth. Pantaloons Femina Miss India World 2012 is... Congratulations to you all for making this far. I'm sure you guys know what's going to happen now. So girls, aap mein se koi ek walk karegi ye ramp with that coveted crown. Iska faisla hoga ek aur challenge ke baad. Aap sabhi se ek sawal kiya jayega. One common question. Simple. हाँ, सिंपल वैसे इतना है कि नहीं वो मैं इनको बता देता हूँ. वेल, जवाब देने से पहले आप सबको उस साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर जाना होगा, फिर बारी बारी एक कंटेस्टेंट बूथ से बाहर आकर अपना जवाब देगी. बाकी के कंटेस्टेंट्स उस साउंड प्रूफ बॉक्स में ही रहेंगी जहां वो हेडसेट्स पहन के होंगी और उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा. नाउ इज इट सिंपल? आर यू रेडी? आई थिंक इप्सिता पार्टी, यू स्टे देयर एंड रेस्ट ऑफ द लवली लेडीज प्लीज गो इनसाइड दैट ऑसम ग्लास बॉक्स. Ipshita, let's cool down a bit. You want to be a director, right? Yes. There is one director there. Rohit Shetty sir, kya kehte hain aap? Unki blessings aapke saath hain. So Manish, go for the question. Ipshita Pati, the question for you is, if you had a choice of creating 1,000 permanent jobs or feeding 1,000 starving children every day, which would you choose and why? Firstly, I would say very good evening to everyone once again. Well, 1,000 jobs, of course, that is definitely the one point where the children grow up and actually acquire that. But yes, right now, at the moment, I will choose to feed the 1,000 poor children who actually need food to grow up and shine for tomorrow. Thank you so much and have a great evening ahead. Thank you. Next we have is contestant number 8, Prachi Mishra. Ladies and gentlemen, beautiful Prachi Mishra. The question for you, if you had a choice of creating 1,000 permanent jobs or feeding 1,000 starving children every day, which would you choose and why? अगर मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं 1,000 जॉब क्रिएट करूं या 1,000 बच्चों को खाना खिलाऊं, तो मैं 1,000 लोगों को जॉब देना पसंद करूंगी. क्योंकि आप अगर किसी को जॉब दे रहे हैं, वो खुद का पालन पोषण कर रहा है, अपने परिवार का कर रहा है,
तो इस तरीके से किसी को भूखे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो बेहतर होगा कि हम सब कोशिश करें कि हम जितने हो सके उतने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें और अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाएं. धन्यवाद. Let's call on the next contestant, Rochelle Rao. The beauty from down south, Rochelle Rao, ladies and gentlemen. So, the question for you, if you had a choice of creating 1,000 permanent jobs or feeding 1,000 starving children every day, which would you choose and why? I think that the children are the future of our country, and yes, I would like to feed 1,000 children every single day. But on the contrary, I think that if I created 1,000 permanent jobs wherein an individual like me would benefit and their life would change, then I would empower that human being to in future be able to feed many more starving children on a regular basis, because someone has shown them a kind deed and it's transformed their life, and I'm sure that would be the obvious choice in this situation. So that's what I would do. Thank you. Next we have is contestant number 13, Sana Khan. Ladies and gentlemen, Sana Khan. If you had a choice of creating 1,000 permanent jobs or feeding 1,000 starving children every day, which would you choose and why? Good evening, everyone. I would choose 1,000 kids who are starving. I would give them food, give them everything, whatever they want, because I believe the children are the future for tomorrow. If you start educating them, I will try my best to help them, because I believe children are the future for tomorrow. And yes, they can bring the difference in tomorrow. I will make them independent. I will try my level best to make them independent and face the world on their own risk. Thank you. Last but not the least, contestant number 19, Vanya Mishra. If you had a choice of creating 1,000 permanent jobs or feeding 1,000 starving children every day, which would you choose and why? As we all know, little children are very innocent, and I think anybody's heart would melt seeing them. Honestly, very honestly, I would want to feed those 1,000 starving children. And not just that, because they're starving, I would even like to provide them with education so that this scenario doesn't repeat. They are capable enough to feed themselves and their families as well. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's have a big hand for our top five finalists. This is the moment of truth. Pantaloons Femina Miss India World 2012 is contestant number रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले हम स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे रेनिंग मिस इंडिया 2011 को. प्लीज वेलकम पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2011 अंकिता शौरी. हेलो
Please welcome Pantaloons Femina Miss India Earth 2011, Hosleen Kaur. Now please welcome Pantaloons Femina Miss India World 2011, Kanishtha Thankar. This is the moment of truth. Yes. May I request Pantaloons Femina Miss India International 2011 Ankita Shori to step forward for the crowning. All right, ladies and gentlemen, this is the moment we all have been waiting for. This has been a wonderful evening. And now, ladies and gentlemen, the Pantaloons Femina Miss India International 2012 is contestant number 11, Rochelle Rao. Pantaloons Femina Miss India Earth 2011, Hosleen Kaur, to please step forward for the crowning. So, ladies and gentlemen, a step closer. Pantaloons Femina Miss India Earth 2012 is contestant number 8, Prachi Mishra. Gentlemen, time for the most coveted crown. In sab ne uska sapna dekha hoga bachpan mein. Aaj tak puchti hongi, when I was just a little girl, I asked my mother, what would I be? Will I be pretty? Will I be intelligent? And will I ever become Femina Miss India? So may I request Pantaloons Femina Miss India World 2011, Kanishtha Thankar, to step forward for the crowning. All right, so this is it. They have been working really hard for that, and now one steps forward, the Femina Miss India World 2012. And let me tell you, ladies and gentlemen, Pantaloons Femina Miss India World 2012 is contestant number 19, Ivanya Mishra. Oh,
हैं।